अस्सलाम वालेकुम मैं हूं ईमान फातिमा और आप देख रहे हैं कोत न्यूज़ अगर आप कवैत के हालात से बखबर रहना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को पूरा देखें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मसूल हो जाए कोत का वीज़ा किन शरात पर जारी किया जाएगा वाज़ा कर दिया गया है कवैत का वर्क पर वर्क वीज़ा सिर्फ़ इस सूरत में दिया जाएगा जब अहलियत पेशे से मसामल हो तफसलत के मुताबिक लेबर मार्किट के तमाम शोबों में पेशों की दर्जा बंदी और अहलियत की मंजूरी के बाद पब्लिक अथार्टी ब्राह अफराधी कव पी एम ने कहा है कि वो गैर मुल्की कारकुनों के लिए वर्क परमिट सिर्फ इसी सूरत में जारी करेगी जब इनकी अहलीत इन पेशों से मुताबत रखती हो जिसके लिए इन्हें भर्ती किया जा रहा है लागू किए जाने वाले नए मकानजम की वजाख़त करते हुए पी एम में कैपिटल गवर्नर लेबर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर फैम अलआज़मी ने कहा है कि अली तरीन सलाहियत और काम की कारकरदगी को यकीनी बनाने के लिए अगर कारकुनों की काबिलियत इनके पेशों के साथ मुताबिकत नहीं रखती जिसके लिए वो भर्ती किए जा रहे हैं तो ऐसे करक को बैरूनी मुल्क से भर्ती नहीं किया जाएगा उन्होंने ये भी नोट किया कि कमर्शियल एंट्री वीज़ा पर भर्ती होने वाले किसी भी शख्स को अपना वीज़ा सिर्फ इस कंपनी को मुंतकल करने की इजाज़त होगी जिसने कमर्शियल वीज़ा फ्राहम किया था मुंतकली को नए वर्क परमिट के तौर तो पर ही समझा जाएगा जबकि इनके नतीजे में कंपनियों को मैं... मोहतसम गैर मुल्की कारकुनों की तादाद के तखमा से कटौती की जाएगी वीज़े की मंतकली पेशे के तकाजों के मुताबिक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पी सी सी और एंट्री वीज़ा की कापी कारकुनों पर भी मशरूम होती है अल आजमी ने इनकशाफ किया है कि पी एम में वीज़ों के हसूल या मुंतकली के तमाम तरीक़ेकारकम्मल तौर पर खुदकार ऑनलाइन है और इनके लिए आजर कफीर की मौजूदगी ज़रूरत नहीं है उन्होंने ये भी निशानदेही की है कि खुदकार तरीक़ाकार ने बड़ी खाद तक वीज़े के तजारती ऑपरेशन को ख़त्म कर दिया है जिसकी वजह से एक खुदकार तरीक़ाकार के ज़रिए तमाम तरीक़ाकार को मुकम्मल करना है जिसके लिए सिर्फ थोड़े से तरीक़ार की जरूरत है इसके अलावा दीगर सरकारी इदारों से दुरुस्त और खुदकार्त अजारों या मुलाजमीन का मुतद दफातर का दौरा किए बगैर तरीक़ाकार को मुकम्मल करने की इजाज़त देता है उन्होंने मजीद कहा है कि पब्लिक अथार्टी ब्राए अफराधिकार निज़ाम के इस्तेमाल को वसा देने और अथार्टी और दीगर मुत सरकारी इदारे खास तौर तो पर वजारत सह दाखिल तजारत जस्टिस पब्लिक अथार्टी बरासूल इंफॉर्मेशन और दीगर के दरमियान होने वाले वसी त के ज़रिए तमाम तरीक़ाकार को कागज देने से ऑनलाइन करने का ख्वाब है अलादमी ने इस बात की भी तस्दी की है कि अथार्टी ने पी एम डायरेक्टर के जारी करद इंतज़ाम सर्कल के मुताबिक बैरून मुल्क से ग़ैर मुल्की कारकुनों को लाने की हिदायत जारी की है इसलिए मुताबिक तमाम कंपनियाँ जो बैरून मुल्क से तारकिन वतन कारों को लाने के लिए इजाज़त नामे हासिल करना चाहती हैं उन्होंने खुदकार अशाल के जरिए दरख्वात जमा कराना होगी वजारत सेहत की जानब से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की मंजूरी समेत इन अकदमान परमल करना होगा एक और खबर शामिल करते हैं साठ साल गैर मुल्की मूल मुल्क का सरमाया है सदर कुवैत चैम्पर ऑफ कामरस कुवैत को साठ साल से उम्र की महारत में सरमाकारी जारी रखने का हक हाँ है सदर कुवैत चैम्पर ऑफ कामरस तफ़ीत के मुताबिक ऑफ कामरस एंड इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मोहम्मद अलसाकर ने तस्दीक की कि कोवै जिसने अपनी महारत में सरमाकारी की है कि यह हक हासिल है कि वह साठ साल से ज्यादा उम्र के अफराद की खमात में इस्तफादा हासिल करना जारी खास तौर पर जो कि बैन अवी मामलात ने साबित किया है कि साठ और सत्तर साल की उम्र के दरमियान अफराध अपने तजर्बे के लिहाज से सबसे ज्यादा नतीजा खैज और मुफीद है अल इतवार को एक प्रेस बयान में कहा रोजगार और आबादी के ढांचे में के मामले को तीन तरह से देखता है जिसमें से पहला वामी बजट के हालात की इसलाह के लिए सबसे अहम दाखिल नुकता है उन्होंने मजद कहा है कि इन जहातों की नुमाइंदगी रोजगार के ढांचे और आबादियात किसला गैर सोचे समझे फैसलों में की गई है उन्होंने वजाहत की है कि दूसरी जहात में हकीकत अफरा के, के, के नतीजे में ज्यादातर मुलाजिम के मौके कम अज कम वक्ती तौर पर कौमी कारकुनों को अपनी तरफ मुतव नहीं करेगी कोरोना वबाई अमराज के बाद रहायशी तजारत के रुझान ने इसके जुम के देने वाली हकाइक और खतरनाक नतयज का इनकशाफ किया उन्होंने निशानदेही की है कि नए साठ साल फैसले ने इनके तख्त आने वाले पर लागत को नस्फ में कम किया और सेहत की खिदात के निजाम पर दबाव को कम किया लेकिन यह आबादाती ढांचे में असलाखात के जमा मनसूबे के तनाजर से बाहर अब भी वाहद फैसला है अर सागर ने कहा है कि फलसतीनी शखरीत रखने वाले का एक काबिल तारीख तरीका है तमाम इसमें दीगर अरबकों को भी शामिल करना चाहते हैं जिनके ममालिक तख्त हालत से गुजर रहे हैं उन्होंने मजीद कहा है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि सियासी क़्यादत इस मामले पर कोई हतामी बात करेगी जो जु, जो कि कोत के मफात इंसाफ और इंसानियत की इकदार की रोशनी में मामला को इनके रास्ते पर वापसी ले आएगी अब तक के लिए बस इतना ही मजद खबरों के लिए देखते रहिए कवेद न्यूज़ और रखिएगा अपने प्यारों का ख्याल अल्लाह हाफिज़